हेलो स्टूडेंट्स, माय स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाली हूँ पार्ट सिक्स में निषेचन पश्च संरचनाएं और घटनाएं, जिसमें भ्रूण कोश का निर्माण, एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है और बीज कैसे बनता है, ये स्ट्रक्चर मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। निषेचन पश्च घटनाओं में कैसे एंडोस्पर्म बनता है, भ्रूण कोश कैसे बनता है, युग्मनज बनने के बाद कैसे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो जेनेसिस की प्रोसेस में आपकी बुक में ये स्ट्रक्चर्स जरूर बताई हुई है लेकिन डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको देखते हुए इसका डिस्क्रिप्शन भी सीखेंगे कि किस तरह से आपको इसको एम्ब्रियो फॉर्मेशन को बताना है। तो गाइज ध्यान से देखिए कि ये एम्ब्रियो स्ट्रक्चर आपकी आपने पढ़ी थी जिसमें की प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बन चुका था। कैसे बना था प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, ये त्रिगुणित संरचना होती है। ये त्रिगुणित संरचना कैसे बनी थी, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि त्रिगुणित स्ट्रक्चर बनती है जब दो नलयुग्मक पोलन ट्यूब के द्वारा ओव्यूल में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर ये 2L कंडीशन है, यहाँ पर दो जो है केंद्रक है पोलर न्यूक्लिये ध्रुवीय केंद्रक, इनसे जो है एक मेल न्यूक्लिये मिलता है और त्रिगुणित संरचना बनाता है, ये होता है प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। इससे जो है भ्रूणकोश का निर्माण होता है, आगे चलकर इससे क्या है कंप्लीट भ्रूणकोश या एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है। एक मेल न्यूक्लियाई तो यहाँ पर आता है जिससे त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है, ये त्रिगुणित संरचना होती है भ्रूणकोश या एंडोस्पर्म। दूसरा केंद्रक जो है कहाँ पे मिलता है, दूसरा केंद्रक मिलता है यहाँ पर एग सेल से, माइक्रोपाइल रीजन में सहायक कोशिकाएं और जो अंड कोशिका होती है अंड कोशिका से मिलकर के ये बनाता है युग्मनज। क्या बनाता है, ये युग्मनज का निर्माण करता है। गाइस ध्यान से देखिए, युग्मनज ही एक ऐसी रचना है जिससे कि आगे चलकर विभाजन होंगे बार बार और एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। तो आपके बुक में ये स्ट्रक्चर्स तो दिए हुए हैं लेकिन स्ट्रक्चर्स का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। तो इस युग्मनज के द्वारा एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है, आप ध्यान से देखिए युग्मनज है, इस युग्मनज की स्ट्रक्चर में जो है विभाजन होगा और विभाजन कैसा होगा, अनुप्रस्थ प्रकार का, यानी किसी चीज को इस तरह से काट दिया जाए, दो हिस्से हो गए, ये दोनों हिस्से एक आधारीय सेल बनाएगा और एक शीर्षस्थ सेल बनाएगा, एक एपिकल और एक बेसल सेल बनाएगा, ये एपिकल ये बेसल सेल है और ये एपिकल सेल है। अब ध्यान से देखिए कि ये दो सेल स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये शीर्षस्थ सेल बारंबार विभाजन करेगी और कैसा विभाजन होगा, इसमें अनुदैर्ध्य प्रकार का विभाजन होगा। अनुदैर्ध्य प्रकार का विभाजन होता है किसी भी स्ट्रक्चर को इस तरह से काटना, ऐसे अनुदैर्ध्य विभाजन से इसमें चार कोशिकीय स्ट्रक्चर बनेगी, फिर आठ कोशिकीय बनेगी और अंत में पेरिक्लाइनल डिवीजन और एंटीक्लाइनल डिवीजन होंगे। कैसे होंगे, यदि कोई संरचना है और उसमें इस तरह से विभाजन होते हैं, ये होते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन, तो ये दोनों तरह के विभाजन होकर के इस तरह की स्ट्रक्चर्स बनेगी। ये होगा कहाँ होगा, ये जो शीर्षस्थ कोशिका है इसमें होंगे इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनेंगे और एक गोलाकार कंप्लीट चार कोशिकीय स्ट्रक्चर बनेगी, फिर आठ कोशिकीय बनेगी, फिर परिणत और अपनत विभाजन होंगे और गोलाकार ये जो है भ्रूण बन जाएगा। ये तो हुआ शीर्षस्थ कोशिका में, इसी के साथ आधारीय कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन करके 7 से 10 कोशिकीय लंबा निलंबक बना लेती है और इस निलंबक में जो ऊपर वाली कोशिका है टिप वाली कोशिका है ये फूल करके होस्टेरिया का निर्माण करती है, चूषकांग बनाती है, जो चूषकांग पोषण लेने का कार्य, पोषण को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनती जा रही है गोलाकार भ्रूण के रूप में, कैसा बन गया, ये गोलाकार भ्रूण बन चुका है और इस गोलाकार भ्रूण से बाद में ये पालियां दिख रही है आपको और ये पालीनुमा संरचनाएं बनने लगती है। इस गोलाकार भ्रूण में इनसे बनने वाले हैं बीज पत्र, द्विबीज पत्री संरचना में दो बीज पत्र बनेंगे इन पालियों के रूप में। आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सस्पेंसर है, इसका ये होस्टेरिया या चूषकांग कोशिकाएं हैं। ध्यान दीजिए गाइस, इससे जो है प्रांकुर
का भाग कहाँ पे होता है इसमें? प्रांगुर होता है जिससे प्ररोह सिस्टम बनता है, कंप्लीट प्ररोह सिस्टम प्ररोह तंत्र बनता है, और मूलांकुर वाला भाग होता है जिससे मूल तंत्र बनता है, यानी जमीन के अंदर जाने वाला भाग जो बेसल कोशिका से बेसल पार्ट से बनेगा। ये जो होस्टीरिया वाला रीजन है, यहां पर ये निलंबक है, ये होस्टीरिया है, और यहां पर ये निलंबक की जो लास्ट सेल है जिससे कि ये जो कंप्लीट एम्ब्रियो वाला रीजन जुड़ा हुआ है, ये इसको हाइपोफाइसिस या स्फीतिका कहते हैं, इसको स्फीतिका या हाइपोफाइसिस कहते हैं। अब देखिए एम्ब्रियो से क्या कैसे कोटिलीडेंस बने, कैसे भ्रूणीय अक्ष बनी, ये होती है इसकी भ्रूणीय अक्ष, दो कोटिलीडेंस है, दो बीज पत्र है, उनके बीच का रीजन ये भ्रूणीय अक्ष होती है इसकी, और इस भ्रूणीय अक्ष में ये से नीचे प्रांकुर रीजन होता है, और इस प्रांकुर रीजन से क्या बनता है, प्ररोह तंत्र बनता है, प्ररोह तंत्र बनता है। और इसके अपोजिट साइड चलते हैं तो ये इसका मूलांकुर रीजन है जिससे क्या बनता है, जड़ वाले भाग का निर्माण होता है, जड़ वाले भाग का निर्माण होता है। इस जड़ वाले भाग के मूलांकुर के ऊपर मूल गोप नामक संरचना पाई जाती है, जो कवरिंग होती है इसकी, मूल गोप नामक संरचना पाई जाती है। ये बीज पत्र आप देख रहे हो, इसमें दो बीज पत्र, ये आप देख रहे हो द्वि बीज पत्री का ये प्रारूप आपके सामने है, ये पोषण देने का, एम्ब्रियो में पोषण का कार्य चलता रहता है, जब ये बीज अंकुरित अवस्था में आता है तब भी इनसे पोषण जो है प्राप्त होता है। कई बार आपने देखा होगा कि हम सीड्स को भिगोते हैं, दो तीन दिन यदि छोड़ देते हैं तो आपको उसको खोल करके आप देखोगे, दोनों बीज पत्रों को आप थोड़ा सा भी खोलोगे तो आपको उसमें से सीडलिंग निकलता हुआ, बनता हुआ मूलांकुर प्रांकुर आपको दिखाई देंगे, एम्ब्रियो एम्ब्रियोनिक एक्सिस आपको दिखाई देगी, भ्रूणीय अक्ष आपको दिखाई देगी। तो गाइस ये बात समझ में आ रही है, गोलाकार भ्रूण और उसके बाद बारंबार विभाजन से द्विबीजपत्री प्लांट लेट में हृदयाकार भ्रूण बनता है, और हृदयाकार भ्रूण से बाद में ये जो है परिपक्व भ्रूण में चेंज हो जाता है, कंप्लीट परिपक्व भ्रूण बन जाता है, और इस परिपक्व भ्रूण से नया पौधा या नया सीडलिंग बनता है, छोटा सीडलिंग बनता है, इससे प्लांटलेट बनता है। इस तरह से ये कंप्लीट एम्ब्रियोजेनेसिस की स्ट्रक्चर है, आप इसको नोट डाउन कर ले ताकि इसके आगे भ्रूण कंप्लीट भ्रूण कैसे बना, बीज के अंदर क्या खास बात है, एंडोस्पर्म की स्ट्रक्चर में आपको बता दूं कि त्रिगुणित एंडोस्पर्म जो बना है, इस त्रिगुणित एंडोस्पर्म का यूज भी भ्रूण के रूप में होता है। कई सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है विकसित होता हुआ भ्रूण इस एंडोस्पर्म का उपयोग कर लेता है कंप्लीट रूप से, कई सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें विकसित हो रहा एम्ब्रियो जो है कुछ भाग का ही उपयोग कर पाता है, कुछ भाग एंडोस्पर्म का बचा हुआ रहता है, उनको हम गैर एल्बुमिनस और एल्बुमिनस सीड्स कहते हैं। तो जस्ट आप इसको नोट डाउन कर ले ताकि मैं इसको आगे समझाऊं। जैसा कि हम जानते हैं कि निषेचन पश्चे घटना में बीजांड से बीज का और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। निषेचन पश्चे घटना में होता क्या है, बीजांड से बीज का और अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, और इन्हीं संरचनाओं को हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए भ्रूणकोष की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियो सैक में जैसे ही दो मेल गैमेट प्रवेश करते हैं, एक से जायगोट बनता है, युग्मनज बनता है, और दूसरे से एंडोस्पर्म, त्रिगुणित जो है भ्रूणकोष बनता है। अब उस त्रिगुणित भ्रूणकोष का कार्य क्या है, ये त्रिगुणित भ्रूणकोष बना किसे बना, प्राथमिक भ्रूणकोष कोशिका में विभाजन होने से, यानी जैसे ही त्रिगुणित ये जो है प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक बना जिसमें त्रिगुणित अवस्था है, इसके अंदर विभाजन होगा, और विभाजन होने से त्रिगुणित भ्रूणकोष बनेगा। ये जो त्रिगुणित भ्रूणकोष होता है ये खाद्य सामग्री से भरपूर होता है, गाइस बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये खाद्य सामग्री से भरपूर होता है, और इसकी
जो खाद्य सामग्री से भरपूर होने की अवस्था है ये भ्रूण को, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। यानी युग्मनस से जो एम्ब्रियो बनने वाला है उसको पोषण प्रदान करती है, यानी भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। अब ये जो एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष बना है, कच्चा नारियल आपने देखा होगा, इन दिनों आ भी रहे हैं कच्चे नारियल। कच्चे नारियल को जैसे ही हम तोड़ते हैं, अंदर उसमें जो सफेद भाग है गाइस, वो तो है सेलुलर एंडोस्पर्म यानी कोशिकीय भ्रूणपोष, और जो पानी वाला भाग है जिसमें फ्री न्यूक्लियाई है वो होता है मुक्त केंद्र की या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब आप इसको समझो कि इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है, मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष का और कोशिकीय भ्रूणपोष का मतलब क्या है। त्रिगुणित कोशिका होती है और ये त्रिगुणित कोशिका क्या करेगी, इसका केंद्रक है, बारंबार विभाजित होगा और छोटे छोटे बहुत सारे केंद्रक बनाएगा। ये बहुत सारे केंद्रक जब तक इनमें भित्ति का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, जब तक इनमें भित्ति नहीं बनी है, तब तक ये रहेंगे मुक्त केंद्र के भ्रूणकोष। आया समझ में? अब देखिए क्या होता है कि इनके अंदर भित्ति का निर्माण होना चालू हो जाता है, तो ये कोशिका के रूप में आ जाती है और कोशिका के रूप में आने के बाद ये एंडोस्पर्म हो जाएगा कोशिकीय एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। कच्चे नारियल में दोनों ही भाग होते हैं, पानी वाले भाग में फ्री न्यूक्लियाई होते हैं और कोशिकीय भ्रूणपोष, इसका जो सफेद वाला भाग है वो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। तो ये विकसित हो रहे भ्रूण को जो है पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इस तरह से यह है मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष और यह है कोशिकीय भ्रूणपोष। एग्जाम्पल है इसका कच्चा नारियल। अब क्या होता है कि अगर भ्रूण के द्वारा, विकसित हो रहे भ्रूण के द्वारा एंडोस्पर्म का पूरा उपयोग कर लिया जाता है, तो उसको वो सीड्स अलग प्रकार के होते हैं और कई सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूणपोष का कुछ भाग ही इस्तेमाल किया जाता है, कुछ भाग बचा हुआ होता है। तो ये हो गए गैर एल्बुमिनस और एल्बुमिनस सीड्स, जिनमें बचा हुआ रहता है उसको एल्बुमिनस सीड्स कहेंगे और जिनमें पूरा उपयोग कर लिया जाएगा उनको गैर एल्बुमिनस सीड्स कहेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, सामने देखिए, बीज परिपक्व होने से पहले भ्रूण कोष का पूरा उपयोग कर लिया जाता है, तो ये होते हैं मटर, मूंगफली और सेम के अंदर ये होते हैं गैर एल्बुमिनस सीड्स। और परिपक्व बीज में विद्यमान है यदि एंडोस्पर्म, जिसका उपयोग कब किया जाएगा, अंकुरण के समय किया जाएगा, और अंकुरण के समय उपयोग किया जाएगा। ऐसे सीड्स होते हैं एल्बुमिनस सीड्स, जैसे कि अरंडी और नारियल वाले सीड्स, इनमें ऑयल निकलता है। अरंडी वाले सीड्स में देखा हुआ होगा अरंडी के बीज आपके, ये एल्बुमिनस सीड्स होते हैं, इनमें एंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है। अब देखिए डाइकोट एम्ब्रियो, ये तो आपके भ्रूणपोष का पूरा डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में, मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है आप इस चीज को देखना है। अब इसको आप नोट डाउन कर ले ताकि एम्ब्रियो के बारे में आपको और डिटेल में बताऊं। चलिए भ्रूण के बारे में मैं आपको बताती हूं कि भ्रूण के विकास को भ्रूणोद्भव कहते हैं। तो भ्रूण में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है गाइस? एक तो होता है एक बीजपत्री भ्रूण, जैसे कि घास परिवार के सदस्य हो सकते हैं, गेहूं हो सकता है, मक्का हो सकता है। एक होता है द्विबीजपत्री भ्रूण, जिसमें कि दो बीजपत्र वाले पौधे आते हैं, जैसे कि मटर है, सेम है, चने हैं, ये द्विबीजपत्री भ्रूण। दोनों में क्या डिफरेंस है आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, द्विबीजपत्री भ्रूण का और एक बीजपत्री भ्रूण का। देखिए एक बीजपत्री भ्रूण जो है इसमें एम्ब्रियोनिक एक्सिस यानी कि भ्रूणीय अक्ष पार्श्व में खिसकी हुई है, एक तरफ है, यह है इसका बीजपत्र। और इस एक बीजपत्री के बीजपत्र को हम स्कूटेलम कहते हैं, ये बीजपत्र है और ये इसकी भ्रूणीय अक्ष है। इस भ्रूणीय अक्ष में आप ध्यान से देखिए, ये इसका बीजपत्र के ऊपर की तरफ साइड में प्रांकुर चोल या एपिकोटाइल रीजन है, ये प्ररोह शीर्ष है जिससे कि
जमीन के ऊपर वाला भाग प्ररोह तंत्र निर्मित होता है और ये बीज पत्र इसका एक तरफ रह जाता है और एपिकोटाइल भाग से नीचे आते हैं तो ये इसका मूलांकुर वाला भाग है जिसके ऊपर एक आवरण होता है ढक्कन के रूप में जिसको मूल गोप कहते हैं। ये बीज पत्राधार यानी बीज पत्र के अधर में स्थित है इसलिए बीज पत्राधार वाली प्रोटीन होती है। एक्चुअल में ये प्रोटीन होती है एपिकोटाइल बीज पत्रों पर एक जिसको कहते हैं और ये प्रोटीन होती है बीज पत्राधार या हाइपोकोटाइल। अब ये तो हुई बात एक बीज पत्री भ्रूण की। द्विबीज पत्री में दो बीज पत्र होंगे, गाइस ध्यान से देखिएगा, दो बीज पत्र होंगे द्विबीज पत्री पौधे में, दो बीज पत्र होंगे। अब इसके आधार विभाग की तरफ चलते हैं। बीज पत्रों के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन, यहाँ पर इसकी एपिकोटाइल होगी और यहाँ पर इसकी हाइपोकोटाइल रीजन होगा यानी प्रोटीन होगी जिससे कि प्रांकुर वाला भाग निर्मित होगा एपिकोटाइल रीजन से। बीज पत्रों पर एक हिंदी में हम इसको कहते हैं। कई बच्चे इन शब्दों पे अंग्रेजी और हिंदी का डिफरेंस करते हैं गाइज। बीज पत्रों पर एक एपिकोटाइल रीजन और बीज पत्रों परिक के जस्ट अपोजिट में बीज पत्राधार या हाइपोकोटाइल रीजन जिससे मूल तंत्र या मूलांकुर जिसमें विकसित होता है इसके ऊपर एक आवरण या ढक्कन हुआ एक आवरण पाया जाता है इसको हम कहते हैं, इसकी सुरक्षा भी करता है मूल गोप रीजन। यह है द्विबीज पत्री भ्रूण जैसा कि मटर और चने में आप देख सकते हो। अब बात करते हैं जैसा कि एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट आपने पढ़ा है, एम्ब्रियो जेनेसिस आपने पढ़ा है, कैसे भ्रूण बना है, किस तरह से माइक्रोपाइल रीजन पर एम्ब्रियो सेक के फीमेल गैमेटोफाइट के बीजांड द्वारीय सिरे पर जो एग सेल या अंड कोशिका थी उस अंड कोशिका में एक मेल न्यूक्लियस आता है और युग्मनस का निर्माण करता है। युग्मनस में जो है विभाजन होता है, एपिकल सेल और बेसल सेल बनती है, चार कोशिकीय है, फिर आठ कोशिकीय है, फिर गोलाकार एम्ब्रियो, फिर हृदयाकार एम्ब्रियो और अंत में परिपक्व भ्रूण का निर्माण होता है। ये मैंने एम्ब्रियोजेनेसिस में आपको इसी वीडियो में बताया है। अब देखिए भ्रूणीय अक्ष और बीज पत्र ये होते हैं भ्रूण में मेल, क्या होता है भ्रूणीय अक्ष और बीज पत्र। जैसा कि आपको पता है एम्ब्रियो सेक के बीजांडधारी सिरे पर ये एम्ब्रियो सेक के बीजांडधारी सिरे पर विकसित होता है भ्रूण, एम्ब्रियो से जो बनने वाला भ्रूण है। जायगोट में जब डिविजन्स होते हैं विभाजन होते हैं तो जो प्रो एम्ब्रियो बनता है यानी पहले जो एम्ब्रियो विकसित होता है वो यूनिकोटिलीडन्स और डाइकोटिलीडन्स यानी कि एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री दोनों में बनने वाला प्राक भ्रूण जिसको हम कहते हैं प्रो एम्ब्रियो जिसको हम कहते हैं वो एक समान होता है। बीज पत्रों के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष के प्रोटीन जैसा कि मैंने कहा प्रांकुर रीजन एपिकोटाइल बीज पत्रों पर एक रीजन होता है या ऐसी प्रोटीन होती है ऊपर भ्रूणीय अक्ष के ऊपर की तरफ एपिकोटाइल और नीचे की तरफ हाइपोकोटाइल या बीज पत्राधार जिससे कि प्ररोह तंत्र बनता है, प्ररोह सिस्टम बनता है, प्ररोह शीर्ष बनती है और मूलांकुर रीजन जो होता है उससे जड़ का निर्माण होता है। इस तरह से एक छोटा प्लांटलेट तैयार होता है। यह रहा भ्रूणीय विकास या जायगोट से भ्रूण विकास की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव। अब आपको मैं सीड्स के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से ओव्यूल के ऊपर जो इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं उनसे सीड कोट का निर्माण होता है। सीड्स किस तरह के होते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूं तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि सीड्स के बारे में बताएं। चलिए बीज के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम होता है बीज। कैसे निर्मित हुआ? निषेचित बीजांड से यानी बीजांड में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हुई और निषेचन की प्रक्रिया से युग्मनज जो है बारंबार विभाजन करके एम्ब्रियो फॉर्मेशन किया और इस तरह से अंडाशय फल में और जो ओव्यूल है वो बीज में कन्वर्ट हो जाता है। बीज
फल के अंदर होता है, बीज में बीज का आवरण होता है, बीज पत्र होते हैं और भ्रूणिया अक्ष समाहित होती है। गाइस ये ध्यान रखिएगा, एक सीड के अंदर बहुत बड़ा पौधा छिपा हुआ रहता है। सीड में यानी बीज में एक पूरा पौधा छिपा हुआ है और इस पूरे पौधे में, इस बीज में पूरे पौधे के अंश किस रूप में है, बीज का आवरण, बीज पत्र और भ्रूणीय अक्ष। बीज पत्र जो है फूड को आरक्षित करता है, यानी कि रिजर्व फूड होता है, आरक्षित फूड होता है, फूड मटेरियल होता है जिससे बीज पत्र जो है फूले हुए होते हैं, स्थूल स्थिति में होते हैं। बीज किस प्रकार के हो सकते हैं, एल्बुमिना सीड्स हो सकते हैं और गैर एल्बुमिना सीड्स हो सकते हैं, जिसमें पोषण के, भ्रूण के पोषण के दौरान भ्रूण कोश का पूरा इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसमें भ्रूण कोश नहीं बचता है और वो होते हैं गैर एल्बुमिना सीड्स, जैसे कि मटर और मूंगफली में, ठीक है। इसके बाद देखिए एल्बुमिना सीड्स, जैसे कि गेहूं, बाजरा, मक्का और अरंडी में, इसमें भ्रूण का विकसित हो रहे भ्रूण के अंदर भ्रूण कोश का कुछ भाग इस्तेमाल कर लिया जाता है और कुछ भाग बचा हुआ रह जाता है, इसीलिए इनको एल्बुमिना सीड्स कहते हैं। गाइस समझ में आ रहा होगा आपके कि यदि बीजांड का यानी न्यूसिलस, अगर न्यूसिलस का भाग शेष रह जाता है, कुछ बीजों में रह जाता है जैसे कि काली मिर्च में, कुछ भाग अगर बीजांड का शेष रह जाता है तो ऐसे बीज परिभ्रूण पोषी बीज कहलाते हैं। ये जो बीजांड का या न्यूसिलस का थोड़ा सा भाग बच गया तो उनको कहते हैं परिभ्रूण पोष, ऐसे बीजों को परिभ्रूण पोषी बीज। जैसा कि हमने पढ़ा है कि सीड के अंदर जो सीड फॉर्मेशन हुआ है वो ओव्यूल से हुआ है, ओव्यूल के ऊपर क्या पाए जाते हैं, इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं, अध्यावरण पाए जाते हैं, अध्यावरण से गाइस सीड कोट का निर्माण यानी बीज के आवरण का निर्माण हुआ है और अंडाशय की जो दीवार है वो फल भित्ति के रूप में बन जाती है। कई फल ऐसे होते हैं बहुत गुदेदार होते हैं, कई फल ऐसे होते हैं जो बहुत ड्राई होते हैं, शुष्क होते हैं। अब ये कंप्लीट डेवलपमेंट होने के बाद बीज क्या है, धीरे धीरे शुष्क अवस्था में आता है, परिपक्व होने के बाद सूखने लगता है और एक कंडीशन ऐसी आती है जब जो है बीज डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, यानी प्रसुप्ति अवस्था में चला जाता है, कुछ समय के लिए स्टेबल हो जाता है। अब देखिए वो स्टेबल होने के बाद, क्योंकि सीड के ऊपर तो बहुत सीड कोट है, अध्यावरण जो इसका सख्त आवरण है, सीड कोट है, तो पानी अंदर कैसे जाएगा। गाइस मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइक्रोपाइल रीजन पर एक छोटा सा छिद्र होता है, बीजांड द्वारीय छिद्र, तो इस सीड कोट में भी छोटा सा छिद्र होता है जिससे ऑक्सीजन और जो है नमी अंदर जाती है, अनुकूल परिस्थितियों में उस नमी को एब्जॉर्ब करता है बीज और नमी को एब्जॉर्ब करके जो है अंकुरित होता है। तो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होने के लिए सीड कोट में एक छिद्र पाया जाता है। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि फिर उसके बारे में मैं आपको बताऊं। चलिए गाइस हम बात करते हैं फ्रूट्स। अंडाशय से फल का निर्माण हुआ तो ये जो फल बना है यदि केवल अंडाशय से विकसित होता है तो उसको, उस फ्रूट को हम कहते हैं वास्तविक फल, और यदि अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन भी इसमें सहयोग करता है यानी पुष्पासन का भाग भी आता है तो वो होते हैं आभासी फल। ये तो होते हैं अंडाशय से फल बनने के बाद वास्तविक और आभासी फल, साथ में अनिषेक जनित फल भी होते हैं, यानी वे फल जिसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई है, बिना निषेचन के यदि फल बना है, जैसे कि केले में ये होता है अनिषेक जनित फल। तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।